फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा जो चैप्टर 3 हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन, उसका मैं लेके आया हूँ पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 आप लोगों ने देखा ही होगा, आई होप नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए प्लीज। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, एज वेल एज नो सॉल्यूशन किसको कब आता है, कौन सी कंडीशन पे आता है, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो के है आपको कैसे इक्वेशन बनाना। जब इक्वेशन दे दिया ऑलरेडी तब तो आपको आ गया, पर इक्वेशन बनाना मतलब के वर्ड प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला ही डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो कंडीशन इसमें ये होती है कि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो, उसके बाद हम सपोज करेगा इक्वेशन बन जाएगा, बहुत ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज ₹9, इक्वेशन पढ़ा, अब लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा पढ़ो, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹21, हो गया। तो दोनों चीज पढ़ने के बाद आपको आइडिया आ गया कि यहाँ पे पेंसिल और इरेजर की ही बात की है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज आपको जो लेना हो, हम जनरली एक्स और वाई में इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹1। ओके, तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, 2 पेंसिल है यहाँ पे, तो 1 का हमने सपोज किया तो 2x प्लस 3 इरेजर है तो 3y, इसके बाद इज इक्वल टू, समझ लो इसके बाद जो भी लिखा है नंबर वो इज इक्वल टू के बाद, तो यहाँ पे आएगा 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा 5 पेंसिल्स मतलब के 5x, फिर 6 इरेजर्स मतलब के 6y, इसके बाद इज इक्वल टू मतलब के 21। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इनको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको जो इजी लगता है। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 6y है, इसको मैं 6y कर दूँ तो एक आंसर हो सकता है। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2, तो हम अगर 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऐसे बनेगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, यहाँ पे 5x प्लस 6y इक्वल टू 21। अब मैंने बोला जब सेम टू सेम हो साइन भी, तो आपको क्या करना है, नीचे सबकी साइन चेंज करनी है जैसे पॉलीनोमियल में हम किया करते थे वैसे। और ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो प्रीवियस वीडियो में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी शायद ना देखा हो तो उसको देख ले, या फिर वापस रिवाइज करने के लिए भी देख सकते हो। ये कैंसिल हो गया, 4x माइनस 5x मतलब के माइनस x, एक्चुअली माइनस 1 बचेगा 4 माइनस 5, पर हम यहाँ पे आगे 1 हो तो कोफिशियंट में नहीं लिखते। और 18 माइनस 21 मतलब के माइनस 3, तो x आपको मिल गया 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको y भी मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1, मैं 1 में रख रहा हूँ उसको, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, मतलब के 6 प्लस 3y इक्वल टू 9, देयरफॉर 3y इक्वल टू 9 माइनस 6, मतलब के 3y इक्वल टू 3, मतलब के y इक्वल टू 1, तो x और y दोनों आपको मिल गए। अब जबकि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो आपको फाइनल आंसर में जो आपने सपोज किया है उसको ऐसे सेंटेंस में आपको लिखना होता है कि द कॉस्ट ऑफ x का जो है वो कॉस्ट ऑफ क्या है, पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3, और ऐसे ही आपको लिखना है तो कॉस्ट ऑफ इरेजर इज ₹1, जैसे आपको सेंटेंस में लास्ट में लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं, तो ये चीज भी दिमाग में रखना, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, अब ये जो है ना 2 डिजिट नंबर, उसके इक्वेशन में थोड़ा क्या ट्विस्ट आता है ये ध्यान से देखिएगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. इतनी कंडीशन दी है। ये क्वेश्चन ऐसे सुनते ही चकरा गए क्या है। तो जब भी 2 डिजिट नंबर हो तो आपको सबसे पहले सम यहां से शुरू करना है। Let the 2 डिजिट नंबर be 10x plus y. हमेशा ऐसे रखना है, कभी भी 2 डिजिट नंबर को x इंटू वाई करके मत लेना या x प्लस वाई करके मत लेना। 10x प्लस वाई इसलिए आएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस होगा, यहाँ पे 10th प्लेस होगा। चलो कोई भी 2 डिजिट नंबर सोच लो, कोई भी सोच लो, क्या सोचा, 77। ओके, तो 77 जो है तो मतलब ये 1 प्लेस पे क्या आएगा, 7, और यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे रख के चेक करते हैं, 7 प्लस 10 इंटू 7, तो 70 प्लस 7 77 बन गया। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर ऐसे ही बनेगा। अगर आप x इंटू वाई करते हैं, हम इसकी जगह x into y होते तो 7 into 7 49 हो जाता, तो वैसे इक्वेशन हमारा नहीं बन पाता। तो इसीलिए आपको याद क्या रखना है कि जब भी 2 डिजिट नंबर हो तो वो आपको 10x plus y लेना है।
अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे हमारे, क्या बनेंगे ध्यान से पढ़िएगा। जो नंबर है हमारा मतलब ये, और नंबर को हम रिवर्स करते हैं उनका सम 66 होगा, मतलब कि टेन एक्स प्लस वाई तो है ही, और नंबर को रिवर्स करते हैं तो मतलब एक्स और वाई की पोजीशन चेंज करनी है, रिवर्स करना मतलब, ठीक है। और उसके बाद वो रिवर्स करना मतलब नहीं, वो इंस्टा पे बहुत मीम्स होता है, तो उसको यहाँ पे करेंगे तो इसका आएगा 66। ओके, तो ये हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। बहुत ही अच्छी बात हो गई, 11 बावन निकल रहा है और वहां से भी कट हो जाएगा, जैसा सब देख के बहुत खुशी हो जाती है अंदर से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, छोटा इक्वेशन बन गया ना। अब दूसरा क्या इक्वेशन है, इफ द डिजिट्स डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। तो डिजिट्स ऑफ द नंबर बोला है, अब नंबर की बात नहीं की, डिजिट्स ऑफ द नंबर मतलब सिर्फ एक्स और वाई लेना है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐसे बोला है। ये जो दो डिजिट लेने हैं हमें वो डिफर कर रहे हैं किससे, 2 से। तो फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और हाउ मेनी सच नंबर्स है, तो दो ही नंबर हो सकते हैं, मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिया, y माइनस एक्स इक्वल टू भी 2 हो सकता है, हमें बोला नहीं ना कौन सा बड़ा है, तो इसलिए जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा भी करके हम लिख सकते हैं, ये आंसर होगा या फिर वो आंसर होगा। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि 42 या 22, 42 आएगा या 24, वो आप फाइंड कर लेना। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, फिर कोई भी एलिमिनेशन है उससे इजी दो इक्वेशन बन गए, इसको आगे सॉल्व कर लेना। ओके, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिक्लेयर कर देते हैं हम इसको अनऑफिशियली, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दो नए टर्म है आपके लिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये क्या है पहले वो समझा देता हूँ आप लोग को, तो आइए आइए ये ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, कि जब समझो कि एक रिवर का फ्लो जा रहा है, वाटर का फ्लो जा रहा है स्ट्रीम, और वो स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे स्ट्रीम ये डायरेक्शन में जा रहा है और बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। और जब भी अपस्ट्रीम हो तब हमेशा क्या होगा, माइनस। डाउनस्ट्रीम मतलब कि जो फ्लो जा रहा है रिवर का वही डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में हमेशा क्या आएगा, प्लस। ये बेसिकली उसके जैसा है, जैसे आप सोचो कि सीढ़ी नहीं चढ़ते हम, सीढ़ी चढ़ते हैं तो ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो आपको थोड़ा फोर्स ज्यादा लगता है, और जब आप उतर रहे हो तो कैसे इजीली आ जाते हो, ठीक है। तो वो वही चीज, उतर रहे हो तो आपका प्लस हो गया, फटाफट आ रहे हो, जाने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, वही चीज है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आप समझ गए। अब इसका हम इक्वेशन बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इज एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये दो चीज हो गई, ठीक है। अब आप, मैंने क्या बोला, अपस्ट्रीम मतलब माइनस, डाउनस्ट्रीम मतलब प्लस, तो डाउनस्ट्रीम इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम जो है वो आपका आएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि बोट की स्पीड हमेशा ये जो रिवर की स्ट्रीम होगी उससे ज्यादा होगी, बोट की स्पीड, ठीक है, तभी तो चल पाएगी ना, वरना क्या होगा, बोट ऐसे चला रहे है और वो तो अगर उससे कम होगी और ऑपोजिट फ्लो में जा रहे तो जा नहीं पाएगा आगे, तो हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होती है। अब यहाँ पे और एक चीज आपको कौन सा फॉर्मूला समझना है, तो बचपन में आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा सुना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी का हम यूज करके हमारे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं ना, कि टाइम को इधर ले जाए और स्पीड नीचे, तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है,
30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और टोटल ले रहा है 10 आवर्स, मतलब के डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कैसे कैसे जा रहा है अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम की हमारी स्पीड क्या आएगी, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई। फिर और कहाँ जा रहा है, एंड, एंड जब भी आए तो क्या लगाना है प्लस, 44 किलोमीटर अब जा रहा है, 44 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है अभी, और अब क्या है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब हमारा क्या आएगा x प्लस वाई, तो अब क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू टाइम होना चाहिए, इक्वल टू टाइम की जगह पे यहाँ पे कितना दिया है आपको, कितना टाइम ले रहा है 10 आवर्स, तो यहाँ पे आएगा 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बोला है अब इन 13 आवर्स, मतलब कि दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे पहले से बोल दिया टाइम 13 होगा, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब यहाँ पे 40 है नीचे x माइनस y क्योंकि अपस्ट्रीम है, एंड आई इसलिए प्लस लगा दिया और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55 अपॉन x प्लस y एज इट इज डाउनस्ट्रीम, और इसको हम बोलेंगे नंबर टू। पार्ट टू याद करो, मैंने पार्ट टू में एंड में बोला था रिड्यूसिंग मेथड में और एक टिपिकल सिखाऊंगा, तो इसलिए यह सब पसंद किया है कि जिसमें टिपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आए थे, टिपिकल हमारी रिड्यूसिंग मेथड भी आ जाए, ठीक है, स्मार्ट वर्क करता हूँ ना। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई को हम सपोज करेंगे जैसे रिड्यूसिंग मेथड में, करो मतलब एक और बार सपोज इक्वेशन को इजी बनाने के लिए, मतलब कि लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू b, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस वाई को a सपोज किया, तो आपका अब इक्वेशन क्या बनेगा, 30a प्लस 30a प्लस 44b इक्वल टू 10, इसको दे देते नंबर 3। नीचे वाला बनेगा 40a प्लस 55b इक्वल टू 13, इसको दे देते नंबर 4। इतना तो समझ आ गया, इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है कोई भी मेथड से कर सकते हो, मैं यहाँ पे करूंगा आपको बताए एलिमिनेशन से, ओके। तो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर वाले इक्वेशन मतलब थर्ड इक्वेशन को विद 4, ऊपर वाले इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड नीचे वाले इक्वेशन को मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन 3 को 4 से और 4 को 3 से, ओके। तो यहां पे 4 से करूंगा ऊपर वाले को, तो 34 जा 120 है प्लस 44 4 जा 176 बी, और यहाँ पे 10 4 जा 40, नीचे वाले को 3 से करे 43 जा 120, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका आएगा 165 बी, और इसको 3 से करोगे तो 39। नीचे साइन माइनस की लानी पड़ेगी क्योंकि सेम है, और हर बार जरूरी नहीं कि यहीं पे कट करना है, यहाँ पे इसलिए मैंने ये जानबूझ कैसे लिया कि यहाँ पे कट होगा तो ये कैंसिल हो गया। 176 में से अगर 165 हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा ना, और उधर तो 1 बचेगा, तो b इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 11, ओके। अब b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें से कोई भी इक्वेशन में, आपको पता है मैं किसमें करने वाला हूँ, 3 में, थ्री में मैं कर रहा हूं, अगर उसको सब्स्टिट्यूट तो ये बनेगा 30a प्लस 44 b की जगह पे 1 अपॉन 11 इक्वल टू 10, ये कट कट किया क्या आया 4, थर्टी ए इक्वल टू 10 माइनस 4, थर्टी ए इक्वल टू 6, मतलब कि a इक्वल टू 6 अपॉन 30, मतलब कि a आपका क्या आया 1 अपॉन 5, ओके। a और b मिल गया, सम हो गया खत्म, नहीं अभी तो सम शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है, पर अभी तो हमें काफी चीजें फाइंड करनी है क्योंकि हमारा मेन गोल तो x और y फाइंड करना होता है, और x और y फाइंड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, a और b की जो वैल्यू मिली है वापिस यहाँ पे सपोज किया था उसमें वापिस रखेंगे, तो आपका वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू a की वैल्यू जो है 1 अपॉन 5, मतलब कि इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5।
मतलब जब हम सिर्फ एक्स और वाई सपोज नहीं करते तो डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, उसको एक और बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को, ऐसे मिलेगा। रिड्यूसिंग मेथड का जो मैंने बोला था हार्ड वाला वो यहाँ पे हो रहा है। और बी की वैल्यू ये, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन अपॉन इलेवन, ओके ये थी ना बी की वैल्यू है। तो आपका बनेगा, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू इलेवन, ये हो गया हमारा सिक्स। अब फाइव और सिक्स को आपको क्या करना है, वापस एलिमिनेट, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, एक माइनस वाई प्लस वाई फटाफट खत्म हो जाएगा। एलिमिनेटिंग फाइव एंड सिक्स, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इलेवन, ये कट, टू एक्स इक्वल टू सिक्सटीन, ओके एक्स इक्वल टू एट आएगा ना, टू नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब एक्स को कोई भी एक में रख दो, तो सब्सटीट्यूट एक्स इन, आपको पता है मैं कौन से इक्वेशन में रखने वाला हूँ, सिक्स में रखूंगा, इजी पड़ेगा ना, देखो फाइव में नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे एट प्लस वाई इक्वल टू इलेवन, फिर वाई इक्वल टू इलेवन माइनस एट, जबकि वाई क्या है आपका थ्री। तो अब जाके हमारा आंसर मिला, पर अभी इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्या ये स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ, लगे ना स्कूल जैसी फीलिंग आनी थी ना, वो प्राइमरी टीचर्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम कंप्लीट। थोड़ा बड़ा था पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसी सम से आपको दो मेथड भी सिखा दी, और ये सब मैंने अनऑफिशियली आईएमपी बताया, पर ऑफिशियली भी आईएमपी ही है। तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, समझ लेना, और बस चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय।